हेलो एवरीवन, दिस इज मलिक इश्फाक एंड यू आर वाचिंग कश्मीरी डीएनए यूट्यूब चैनल। सीपीआरआई ने नोटिफिकेशन आउट किया है जिसके लिए 10th पास, 12th पास ग्रेजुएट स्टूडेंट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्टर्स हैं, डेफिनेटली आपको यहां पे अप्लाई करना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, क्या सैलरी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है, ये सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। अगर हम टोटल पोस्ट देखें, यहाँ पे टोटल 99 वैकेंसीज आउट हुई है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखें, 25 मार्च 2023 से आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट 14 अप्रैल 2023 रखा गया है। अगर हम पोस्ट्स देखें, इंजीनियर ऑफिसर के लिए 40 पोस्ट्स आउट हुई हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक होना चाहिए। उसके बाद आता है साइंटिफिक इंजीनियरिंग का, इसके लिए 17 पोस्ट्स और क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। उसके बाद असिस्टेंट, इसके लिए 16 पोस्ट्स आउट हुई हैं, जिसकी मिनिमम ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल हैं, वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें इन पोस्ट्स का, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, इंजीनियर ऑफिसर के लिए 44,900 इसमें मिलने वाली है। और अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट या इंजीनियर असिस्टेंट देखें, इसके लिए 35,400 मिलने वाला है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का, इसमें 19,900 मिलने वाला है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का 25,500 इसमें मिलने वाला है। तो ये थे कुछ आज के पोस्टर्स। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।